चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और डीएनए के बारे में, डीएनए की पैकेजिंग और न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ा था कल, है ना। आज आगे बढ़ रहे हैं। देखो कुछ साइंटिस्ट थे, कौन से, एवरी और क्या, मैकार्टे, मैकार्टी एंड मैकलॉड। इन लोगों ने क्या बोला था कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? हाँ, जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए होता है ना। लेकिन क्या सारे साइंटिस्ट इस बात से एग्री थे? नहीं थे। अब भी कुछ साइंटिस्ट क्या सोच रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? प्रोटीन होता है। तो ज्यादा साइंटिस्ट क्या सोचते थे? जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। तो अब इस चीज को दोबारा से और प्रूफ किया गया, है ना। तो दोबारा से प्रूफ करने के लिए दो साइंटिस्ट आए, हार्शी एंड चेज। और हार्शी एंड चेज जो थे, हार्शी एंड चेज जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिनमें इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर ली और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ली। तो हार्शी और चेज ने क्या क्या लिया? रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ली। तो इन्होंने दो एलिमेंट्स लिए, एक सल्फर ली जो रेडियो एक्टिव थी और एक फॉस्फोरस ली जो रेडियो एक्टिव थी। अब रेडियो एक्टिव की वजह से क्या है वो अलग से पता चल जा रही है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक पैट्री डिश है और एक और पैट्री डिश, यहां पर बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज है और यहां पे भी क्या लिए? बैक्टीरियो फेज, बोलो यही लिया है। क्या होते हैं बैक्टीरियो फेज? वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। तो बैक्टीरियो फेज क्या होते हैं? वायरसेस विच इन्फेक्ट्स, वायरसेस विच इन्फेक्ट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियो फेज का स्ट्रक्चर देखा था ना आप लोगों ने, ऐसे करके, और यहां पे ये कॉलर ऐसे करके स्ट्रक्चर था, ऐसे याद है? तो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर था इस तरह से, ये बैक्टीरियोफेज था। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर बैक्टीरियोफेज लिए है, ये यहां पर सल्फर लिया है, रेडियो एक्टिव सल्फर, और यहां पे क्या लिया? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है। हाँ बोलो। रेडियो एक्टिव को कैसे समझ सकते हैं? देखो वो सब्सटेंस जिनमें से नॉर्मली रेडिएशंस निकलती है या जो ग्लो हो रहे हैं, अभी किसी में से भी रेडिएशन निकलेगी, रेडिएशन का मतलब क्या होता है? लाइट। तो वो क्या अलग से चमकेंगे, है ना, अलग से उनमें लाइट निकलेगी, वो होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम कैसा सब्सटेंस है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। तो वो अलग से ही दिख जाएंगे चमकते हुए, है ना, अलग कलर से वो अलग चमक रहे होंगे। तो वहीं से पता चल जाएगा कि रेडियो एक्टिव सल्फर का अलग कलर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का अलग कलर, ठीक है। अब जब इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस ली, तो एक तो बैक्टेरियो फेज बना, एक बैक्टेरियो फेज बना जिसके पास सल्फर थी, जिसके पास सल्फर थी। देखो बैक्टीरियोफेज वायरस है, आपने पढ़ा है वायरस में दो ही चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक तो प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल और उसके ऊपर क्या होती है? प्रोटीन की कोट होती है। याद है कैप्सिड्स कैप्सोमर को मिलके बन रहे थे, है ना, छोटी छोटी यूनिट थी इनको कैप्सोमर बोलते थे और उनसे कैप्सिड बन रहे थे, याद है। तो अगर सल्फर ली तो सल्फर कहां पर प्रेजेंट होती है? सल्फर प्रेजेंट होती है प्रोटीन में, है ना। तो यहां पर प्रोटीन है और प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर। यानी रेडियो एक्टिव सल्फर कहां पे आई? प्रोटीन कोट में। यानी जो बैक्टीरियो फेज यहां पे बना, देखो मैं यहां पे बैक्टीरियो फेज बना देता हूं, ये रहा बैक्टीरियो फेज, है ना, इसका बैक्टीरियो फेज ऐसे बना देते हैं अपन। और बाकी पार्ट क्या है? बाकी पार्ट को हम ब्लैक कलर से कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है।
और ये डीएनए ये भी ब्लैक कलर का है। तो ये क्या है, ये प्रोटीन कोट है, ये क्या है प्रोटीन की कोट है, और ये किसकी बनी हुई है सल्फर की, ठीक है। और जब हमने रेडियो एक्टिव सल्फर ली थी, इसमें क्या आ गया रेडियो एक्टिव सल्फर, तो सल्फर कैसा है रेडियो एक्टिव हो गया, तो यानी ये कोट रेडियो एक्टिव हो गई, इसलिए मैंने क्या बनाया अलग कलर से बनाया है ना। जबकि यहां पर फॉस्फोरस किसके अंदर प्रेजेंट होती है, अभी आपने पढ़ा ना फॉस्फेट किसमें था डीएनए में, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी आपका बैक्टीरियोफेज आया, बैक्टीरियोफेज आया और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस उसके अंदर गई, और फॉस्फोरस किसमें होगी डीएनए, डीएनए में कौन होगा फॉस्फोरस होगी। तो अब की जब बैक्टीरियोफेज का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, देखो प्रोटीन कोट और सारी चीजें एक जैसी है दिख रहा है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो गया, वो रेडियो एक्टिव हो गया, पता चला। अब इन्होंने क्या किया, दोनों बैक्टीरियोफेज लिए अलग अलग और दोनों से अलग अलग बैक्टीरिया, इन्होंने जो बैक्टीरिया लिया था वो था ई कोलाई मतलब एस्केरेशिया कोलाई, पढ़ा है ना, बैक्टीरिया बहुत कॉमन बैक्टीरिया है, ह्यूमन बॉडी में भी मिलता है, तो सबसे कॉमन बैक्टीरिया इसमें आता है एक बैक्टीरिया ई कोलाई। अब इन्होंने ई कोलाई पे क्या किया, ई कोलाई के पास खुद का प्लास्मिड है ना, देखो ऐसे बना दूं हल्का सा, ब्लैक से बनाएंगे ना तो ज्यादा बेटर लगेगा, देखो ये ई कोलाई है और ये भी ई कोलाई है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके पास खुद का है एडिशनल डीएनए प्लास्मिड है ना, तो इसको क्या बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है ना, तो बैक्टीरिया का डीएनए तो वैसा का वैसा ही है प्लाज्मिड, और बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस में भी अपना डीएनए होगा। अब दोनों बैक्टीरियाओं को अलग अलग ई कोलाई के साथ इसने क्या किया इन्फेक्ट कराया है ना, अरे क्या किया आपका ई कोलाई ली, इसको मिटा दूं डीएनए को, यहां लिख देते हैं डीएनए, एक बैक्टीरियोफेज लिया सल्फर वाला बैक्टीरियोफेज है ना, एक बैक्टीरियोफेज कैसा लिया सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज, तो जैसे ही सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज लिया और वो बैक्टीरियोफेज यहां पे आया तो अब वो इन्फेक्ट कर रहा है इसको, और अंदर क्या है जेनेटिक मटेरियल है, देखो अंदर जेनेटिक मटेरियल है, दूसरे वाले ई कोलाई को भी इन्होंने क्या कराया इन्फेक्ट कराया किससे बैक्टीरियोफेज से है ना, इसको भी इन्होंने इन्फेक्ट करा दिया, ये ई कोलाई भी इन्फेक्ट हो गया, लेकिन इस ई कोलाई के अंदर क्या था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि यहां पर जो डीएनए आया उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि यहां पे कुछ ट्रांसफर हुआ है आराम से, लेकिन यहां पर जब डीएनए आया यानी यहां पर कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ तो ई कोलाई के अंदर क्या हो गया डिफरेंट कलर शो होने लग गया, पता चला। जब इन्होंने इन्फेक्शन के बाद इसको प्रोटीन कोट को मतलब बैक्टीरियोफेज को हटा दिया, अब बैक्टीरियोफेज को कैसे हटाएंगे ब्लेंडिंग करके है ना या ग्राइंडिंग करके, तो इन्होंने क्या किया बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरियोफेज नहीं था भाई सुन लो, ना बैक्टीरियोफेज एक था और ना ई कोलाई एक था, बहुत सारे ई कोलाई थे, लाखों में ई कोलाई थे और लाखों में बैक्टीरियोफेज थे, सेम इधर भी लाखों में ई कोलाई थे लाखों में बैक्टीरियोफेज थे, तभी तो जाकर के बहुत सारे दिखेंगे, जब लाख है तब इतना से दिखेगा, जब एक लाख से भी ज्यादा है तब वो इतने से दिखेंगे क्योंकि बैक्टीरिया तो नॉर्मल आंखों से दिखते ही नहीं है। तो इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चेक किया तो एक बैक्टीरिया के अंदर यानी अब आपको सिंपल बैक्टीरिया मिल गए, देखो ये ई कोलाई बैक्टीरिया आपको मिल गए हैं, इन ई कोलाई बैक्टीरिया में यहां तो डीएनए कोई डिफरेंट कलर शो नहीं कर रहा, लेकिन यहां जो डीएनए है उसका कलर क्या हो रहा है डिफरेंट शो हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है फॉस्फोरस की वजह से, किसकी वजह से हो रहा है फॉस्फोरस से, इसका मतलब इन्होंने क्या देखा कि ई कोलाई के अंदर सल्फर ट्रांसफर हो रही है रेडियो एक्टिव सल्फर ट्रांसफर हो रही है या रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ट्रांसफर हो रही है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ट्राई हो रही है, और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस किसके पास होती है डीएनए के पास होती है, दैट मीन्स कौन ट्रांसफॉर्म हो रहा है डीएनए हो रहा है, यही बात ग्रिफिथ ने बताई थी कि कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसको एवरी मैककार्टी और मैकलॉड ने क्या बोला था डीएनए, लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे थे, तो जब हार्शी और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने भी क्या बोला
कौन ट्रांसफर हो रहा है? डीएनए। दैट मींस ट्रांसफर कौन होता है? डीएनए होता है। और जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है ना। तो जो ट्रांसफर होता है वो कौन होता है? जेनेटिक मटेरियल। दैट मींस डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अब आरएनए के बारे में पहले कुछ डीएनए की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, देन आरएनए के बारे में देखेंगे, है ना। चलो अब देखो आगे बढ़ रहे और कुछ बातें हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में। था कि जेनेटिक मटेरियल है अगर कोई तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? जैसे जैसे सबसे पहले तो वो स्टेबल होना चाहिए, हाँ, केमिकल और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए पहली। दूसरा स्लो म्यूटेशन होनी चाहिए, यानी वेरिएशन आना चाहिए, तभी तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लगेगा। तीसरा इजीली ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ट्रांसफर भी हो जाना चाहिए इजीली, है ना, यानी एक हाँ एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में इजीली ट्रांसफरेबल हो। नेक्स्ट वो इजीली रेप्लीकेट हो जाए, है ना। क्या ये सारी प्रॉपर्टीज आरएनए भी शो करता है? चलो देखें एक बार। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम लोग जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी एबल, इट फर्स्ट है, इट शुड बी एबल टू रेप्लीकेट या टू जनरेट, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, है ना, यानी उसके अंदर रेप्लीकेशन होना चाहिए, यानी उसके अंदर रेप्लीकेशन होना चाहिए। अब पहली प्रॉपर्टी से क्या हो गया? प्रोटीन फेल हो गया, क्योंकि प्रोटीन में रेप्लीकेशन होता ही नहीं है। तो प्रोटीन जैसे ही आया तो भैया प्रोटीन रेप्लीकेट करेगा ही नहीं, यानी पहली प्रॉपर्टी से पता चल गया कि प्रोटीन क्या है? जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सेकेंड और क्या बोला गया? इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। स्ट्रक्चरली है ना, ठीक है। थर्ड, इट शुड प्रोवाइड्स द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? म्यूटेशन। स्लो चेंजेस that are required for evolution, that are required for evolution, है ना, यानी evolution के अंदर mutation बहुत important factor होता है। तो अगर mutation हो रही है that means तभी क्या हो रहा है? evolution हो रहा है। इसके अगला chapter में evolution ही पढ़ेंगे, देखेंगे वहाँ पे कैसे Darwin ने Lamarck ने evolution के बारे में बताया, Darwin Finches, है ना। और fourth point, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters। वो मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में भी अपने आप को क्या करे? एक्सप्रेस कर दे। तो चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि वो रेप्लीकेट भी करे। रेप्लीकेट तो आरएनए भी करता है। फिर डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल है? इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। डीएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है, लेकिन आरएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है। तो क्वेश्चन है Why RNA
इज नॉट केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। क्यों नहीं है केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल आरएनए? तो सबसे पहला रीजन क्या होगा, सबसे पहला रीजन क्या होगा, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। इसके पास सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होने की वजह से ये स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है, है ना। अगर दो स्ट्रैंड है तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, लेकिन सिंगल अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरा, इसमें जो राइबोस शुगर होती है ना, उसके सेकंड कार्बन पे OH है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है ना। तो OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर के सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप की वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। बोलो पता चला, दैट मींस आरएनए स्टेबल नहीं है, ठीक है। सेकंड, दे शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस। आरएनए में स्लो चेंज नहीं होते, आरएनए में फास्ट चेंजेस होते हैं हमेशा। क्यों? लेस स्टेबल है आरएनए, लेस स्टेबल है ना। ऐसे लिखूं, देखो आरएनए जो है ये लेस स्टेबल है। अगर लेस स्टेबल है तो मतलब मोर क्या होगा, रिएक्टिव। तो मोर क्या होगा, रिएक्टिव। तो जो लेस स्टेबल है मोर रिएक्टिव होगा, तो आरएनए क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो भाई म्यूटेशन तो इसमें होगी, और डीएनए कंपैरिजन में ज्यादा म्यूटेशन होती है, इसीलिए जो बैक्टीरियाज हैं या वायरस हैं वो क्या करते हैं, पता पड़ा अभी कोरोना आया था, कोविड वायरस आया था, तो जैसे ही आपने एक दवाई यूज की तो उसने अपने आप को क्या किया, म्यूटेशन कर लिया, और अब वो उस दवाई पे इफेक्ट ही नहीं कर रहा। फिर आप दूसरी दवाई यूज कर रहे हो या दूसरी वैक्सीन यूज कर रहे हो, है ना। तो बार बार वैक्सीन चेंज क्यों की जा रही है? या HIV का वायरस है, उसकी आज तक वैक्सीन ही नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि वो लेस स्टेबल है, वो अपने आप ने अंदर क्या है ना, एक रेगुलर बेसिस पे म्यूटेशन करता जाता है, अपने आप को चेंज करता जा रहा है। अब पता पड़ा आपने इस स्ट्रक्चर के हिसाब से वैक्सीन बनाई थी, जब तक उसको दी जब तक वो स्ट्रक्चर चेंज करके बैठा है, लो भैया करो क्या करोगे, पता चला। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल है। तो म्यूटेशन क्या होता है आरएनए में, बहुत फास्ट होता है, ये बात पता चली। अच्छा एक चीज और बताऊं, स्टार्टिंग में जब दुनिया बनी यानी अर्थ पर जीवन आया, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए उनके अंदर क्या था, आरएनए था। और अब आरएनए में म्यूटेशन होने के बाद और चेंजेस होने के बाद डीएनए बना, यानी जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं था, कौन था, आरएनए। उसी को एनसीईआरटी में क्या बोला था, आरएनए वर्ल्ड। तो आरएनए वर्ल्ड करके टॉपिक दिया हुआ है, तो उसमें यही बताया गया है कि सबसे पहले जब ऑर्गेनिज्म बन रहे थे तब आरएनए था, डीएनए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। बोलो समझ आया? हाँ, तो सबसे पहले कौन था, आरएनए। तो आपको ये चीज पूछी जाएगी कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले बने तो उनका जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए या आरएनए। तो आपको क्या बताना है, कौन था, आरएनए था, है ना। ज्यादा म्यूटेशन किसमें होती है, डीएनए या आरएनए में, आरएनए में। यानी अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए हुआ तो इवोल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा, फास्ट होगा, है ना। इसलिए तो जो वायरस अपने इतनी जल्दी इवॉल्व हो जाते हैं और उनके इतनी जल्दी वो नहीं मिल पाती वैक्सीन फिर, ठीक है, जैसे कोविड की नहीं मिल पा रही थी। नाउ द लास्ट पॉइंट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर। मेंडेलियन करेक्टर की तरह क्या कर रहे हैं, मेंडेलियन करेक्टर में अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्यों? इनके पास जीन है, याद है जीन, जीन किसको, ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही है ना। तो मेंडेलियन करेक्टर को भी ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं खुद से, है ना, कहीं से बाहर से जरूरत नहीं है। लेकिन आरएनए की खासियत है, डीएनए क्या प्रोटीन बना देगा, डीएनए प्रोटीन नहीं बना सकता। तो प्रोटीन के लिए डीएनए पहले क्या बनाएगा, डीएनए पहले बनाएगा आरएनए, और कौन सा आरएनए, एमआरएनए, और फिर क्या बनाएगा, अब बनेगा प्रोटीन। दैट मींस डीएनए जब तक एमआरएनए या आरएनए नहीं बनाएगा तब तक प्रोटीन नहीं बनते, ठीक है। आरएनए तीन तरह के होते हैं, आपको पता है। चलो अगर मैं यहां पे बनाऊं आरएनए के बारे में, कि ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए बेटा, ये चारों के चारों पॉइंट अपने को एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो ये मैं वही चीजें आपको बता रहा हूं।
ज्यादातर हर चीज वही बता रहा हूं जो आरएनए में दी हुई है, ठीक है। देखो अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए का फुल फॉर्म क्या था? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए में डिफरेंस बताओगे जरा आप मुझे? अगर मैं पूछूं डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताओ तो क्या आप डिफरेंस बताओगे? पहला डिफरेंस, सेकंड कार्बन पर आरएनए में ओएच ग्रुप होता है लेकिन डीएनए में ओएच ग्रुप नहीं होता। पेंटो शुगर के सेकंड कार्बन पर आरएनए में ओएच ग्रुप होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता। दूसरा डिफरेंस, आरएसएनए में आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनस बेस, जबकि डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है 5-methyl यूरेसिल यानी थायमिन, है ना। तो ये दो हो गए। थर्ड, नॉर्मली आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होते हैं जबकि डीएनए क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंड। अच्छा, कुछ आरएनए डबल स्ट्रैंड भी होते हैं, ठीक है, कुछ आरएनए डबल स्ट्रैंड भी होते हैं, है ना। अब आरएनए आप तीन तरह के पढ़ते हो, है ना, एमआरएनए, एमआरएनए, दूसरा आर आरएनए, एंड द थर्ड वन इज टीआरएनए। तो आरएनए तीन तरह के होंगे, एमआरएनए, आरएनए, आरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या होगा? मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, पता है। और टीआरएनए का मतलब बेटा ट्रांसफर आरएनए। तो तीन तरह के आरएनए होते हैं, एक होता है एमआरएनए और मैसेंजर, दूसरा राइबोसोमल आरएनए और तीसरा टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, राइबोसोमल आरएनए किससे बनेगा, कहाँ पे होगा? राइबोसोम से। टीआरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए कहाँ से आएगा? वो डीएनए से ही बनेगा। अच्छा, एमआरएनए के बारे में पूछा जाता है कि एमआरएनए कहाँ से बनता है, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि एमआरएनए का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है एमआरएनए का फॉर्मेशन? होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर भी एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस में कौन बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? पक्का नहीं है? तो अब ये बात तो हमें पता पड़ गई कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए, पहले किसके बीच में लड़ाई हो रही थी? प्रोटीन और डीएनए के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो पहले पॉइंट ने ये बात खत्म कर दी कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोटीन जो है वो रेप्लीकेट नहीं कर रहा है, क्लियर है। उसके बाद फिर किसके बीच में लड़ाई हुई? आरएनए और डीएनए के। तो वहां से भी ये चीज कंफर्म हो गई कि जो आरएनए है वो लेस स्टेबल है, उसमें म्यूटेशन क्या हो रहे हैं? बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। यही पे एक रूल था, क्या नाम था उसका? चारगफ रूल, है ना। तो क्या रूल था? चारगफ रूल, सी एच ए आर जी ओ डबल एफ जी ए डबल एफ एपोस्ट्रोफी एस, चारगफ रूल। और चारगफ रूल क्या बोलता है, कौन बताएगा? हाँ हाँ, क्या बोलता है? ए अपॉन टी इक्वल्स टू, वेरी गुड, ए अपॉन टी इक्वल्स टू जी अपॉन सी, और वो किसके इक्वल होगा? वन के। यानी ए यानी एडेनिन, तो ए ऐसे लिख दे एडेनिन, और टी मतलब थायमिन, वो इक्वल होगा जी मतलब ग्वानिन, अपॉन सी इज साइटोसिन, और वो इक्वल टू होगा वन। इसका मतलब क्या है? लेकिन यार देखो, ए तो एडेनिन है और टी थायमिन है। एडेनिन क्या है? प्यूरिन। और थायमिन क्या है? पायरिमिडिन। सेम, ग्वानिन क्या है? प्यूरिन। और सी क्या है? साइटोसिन। इतना पता पड़ा? इसका मतलब क्या है लेकिन? हाँ, इक्वल नंबर में होते हैं, बहुत बढ़िया। यानी कोई भी अगर आपका डीएनए है तो डीएनए में जितने प्यूरिन्स होंगे ना उतने ही पायरिमिडिन्स होंगे, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन, जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन। तभी तो मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, कल बताया था ना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड किसको फॉलो कर रहा है? चारगफ रूल को ही फॉलो कर रहा है। बोलो, पता चला। अब आएगा आपका क्या? रेप्लीकेशन, है ना, डीएनए रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, है ना।
तो रेप्लिकेशन बड़ा टॉपिक है, आज इसको यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, यहीं खत्म करते हैं इसको, है ना, और कल स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।